हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। आज है 10 सितंबर। जी हाँ, 10 सितंबर की करंट अफेयर्स को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आज की करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2019 का विषय क्या है? तो हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का जो विषय है वो लिटरेसी एंड मल्टी लिंग्वालिज्म है, यानी कि साक्षरता और बहुभाषा विधा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पता होगा कि 8 सितंबर, प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर दो की ओर। तो प्रश्न नंबर दो की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर दो है, यूएस ओपन 2019 में महिला एकल विजेता कौन है? तो यूएस ओपन 2019 की महिला विजेता हैं बियांका एंड्रीस्क्यू, जिन्होंने कि सेरेना विलियम्स को हराया था। सेरेना विलियम्स को हराकर यह ग्रैंड स्लैम जीता, या बियांका एंड्रीस्क्यू का पहला ग्रैंड स्लैम होगा। चलिए प्रश्न नंबर तीन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीन है, हाल ही में पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पीटीआई के नए अध्यक्ष हाल ही में विजय कुमार चोपड़ा बने हैं। पीटीआई का फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यह लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी, इंडिया की लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी है, सबसे बड़ी है। यह हिंदी तथा इंग्लिश में प्रमुख रूप से समाचार को निकालती है। इसके जो चेयरमैन है, आपको पता है कि विजय कुमार चोपड़ा हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चार की ओर। प्रश्न नंबर चार में है आपका, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारत का पहला फन जोन स्थापित किया है? तो विशाखापट्टनम ने रेलवे स्टेशन पे पहला फन जोन स्थापित किया गया है। यहाँ पे फन जोन है, जो यात्री आते हैं, अगर ट्रेनें लेट हो जाती हैं, वहाँ पे यात्रियों को देरी होती है, तो वो अपना बैठ के टाइम पास करते हैं। अब वो फन जोन के माध्यम से अपना उस टाइम का एंजॉय करके वो अपने टाइम का यूज कर पाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर पाँच की ओर, स्ट्रेस आप फील नहीं करेंगे वो। चलिए प्रश्न नंबर पाँच की ओर बढ़ते हैं। एससीओ का सैन्य चिकित्सा का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो एससीओ का जो सैन्य चिकित्सा का पहला सम्मेलन है वो दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अब हम बता दें कि एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 12-13 सितंबर को यह एससीओ का पहला जो सैन्य चिकित्सा सम्मेलन है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसकी जो स्थापना का प्रस्ताव था वो 15 जून 2001 में था। इसकी स्थापना संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ था 2002 में और यह 2003 में एग्जिस्टेंस में आ गया था। अब इसके जो सदस्य देश हैं एससीओ के, वो चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो हैं वो स्थापना मेंबर हैं, तथा इंडिया तथा पाकिस्तान को 2017 में अस्ताना में हुए सम्मेलन में इसको मेंबर बनाया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एससीओ का फुल फॉर्म होगा संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए प्रश्न नंबर छः की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में दलीप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में दलीप ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है, उसको इंडिया रेड ने जीता है, या इसने इंडिया ग्रीन को हराकर यह ट्रॉफी जीती है। चलिए प्रश्न नंबर सात की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर सात है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन का आयोजन कहाँ की गई? तो हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन यानी कि दौड़ की प्रतियोगिता लेह लद्दाख में की गई है। चलिए प्रश्न नंबर आठ की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो हाल ही में
टी ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज लसित मलिंगा बन गए हैं। इनसे पहले इनका 97 विकेट शाहिद अफरीदी के नाम था। अब न्यूजीलैंड अपने ये मलिंगा जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 100वां विकेट लिया था, जो कि 76वें मैच में इन्होंने अपना 100वां विकेट प्राप्त किया है। चलिए प्रश्न नंबर एक और क्वेश्चन इससे से मलिंगा संबंधित हम बता दें कि अभी हाल ही में इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ही 4 बॉल पे 4 विकेट प्राप्त किया है, जो कि ऐसा करने वाले दूसरे पहले गेंदबाज बन गए हैं जो 2 बार 4 बॉलों में 4 विकेट लिए हों लगातार। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस राज्य में पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में तेलंगाना के विशाखापट्टनम में ये पहला मेगा फूड पार्क का आयोजन किया गया है। चलिए उद्घाटन किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में ग्लोबल एक्सीलेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में ग्लोबल एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया अजीम प्रेम जी बिजनेसमैन तथा अजय बंगा को किया गया है। आपको ग्लोबल एक्सीलेंट अवार्ड है, इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप अवार्ड यानी कि यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो अवार्ड है ये आपका दिया जाता है USISF के द्वारा, यानी कि फोरम के द्वारा, यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। इसका जो सम्मेलन हुआ था ये यूएस में हुआ था 11 जुलाई को। तो ये रहे आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम आपको दिखा देते हैं प्रश्न नंबर कल के प्रश्न का जवाब जो था आपका, केंद्र सरकार ने किसे डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड से सम्मानित किया? तो डटर ऑफ द नेशन के पहले पुरस्कार से लता मंगेशकर को सम्मानित किया गया है। अब आज का सवाल आपके लिए, हाल ही में अमेरिका के कैटलिना चैनल को पार करने वाला पहला एशियाई तैराक कौन बना है? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो ये रही आज की करंट अफेयर्स। आपको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।